अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। वो कौन से ग्रुप्स हैं देखते हैं हम। लिविंग थिंग्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला ग्रुप जो है वो प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, उसके बाद फंजाई, उसके बाद बैक्टीरिया प्रोक्रियाट्स, उसके बाद प्रोटोसाइट्स। इसके अलावा बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किए गए हैं। ताकि वो फर्दर क्लासिफाइड इसलिए नहीं किया गया ताकि ये अलग से, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे बड़ा जो किंगडम है वो एनिमल्स का है, उसके बाद प्लांट्स का है। अब हम देखते हैं कि प्लांट की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है। अब हम देखते हैं कि किंगडम को किस तरह सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले किंगडम प्लांटी जो है, इसका किंगडम नेम है प्लांटी, उसके बाद है सब किंगडम इसका क्रिप्टोगैमी और फेनीरोगैमी। उसके बाद क्रिप्टोगैमी को कौन से डिवीजन में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पिटीडोफाइटा। उसके बाद जो है फेनीरोगैमी को जो डिवीजन में डिवाइड किया गया है वो है स्पर्मेटोफाइटा। उसके बाद फर्दर डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा को एलजी के अंदर, इसकी सब डिवीजन है एलजी की, और दूसरी इसकी सब डिवीजन है फंजाई। एलजी और फंजाई जो है ये दोनों सब डिवीजन है थैलोफाइटा की, थैलोफाइट्स जिसमें होते हैं। थैलोफाइट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंजाई और एलजी की एक कंप्लीट शक्ल, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर इनकी सही से शेप नहीं होती जिस तरह प्लांट्स की होती है। लेकिन इन्हें इसलिए प्लांट किंगडम में रखा गया है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी होता है और बस का जो है वो येलो ग्रीन भी पिगमेंट होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम इन्हें किंगडम प्लांटी में रखते हैं। नेक्स्ट है ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जो है नेक्स्ट हम फनीरा, इसकी एग्जाम्पल है। अब टीडोफाइटा को हम डिवाइड करते हैं, इसकी एग्जाम्पल है ट्रीस। नेक्स्ट है अब हम देखते हैं सुपरमेटोफाइटा। सुपरमेटोफाइटा जो है ये डिवीजन है इसकी, प्लांटी की एक डिवीजन है किंगडम प्लांट की। इसके अंदर जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा को रखा जाता है। जिम्नोस्पर्मा में साइकस इसकी एग्जांपल हो गई और एंजियोस्पर्मा में पी हो गए, और भी बहुत से इसकी एग्जाम्पल्स शामिल है। एंजियोस्पर्म जो है ये एक बहुत बड़ी किंगडम की एक ग्रुप है प्लांट किंगडम का। एंजियोस्पर्म्स जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और सीड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो है ये फ्लावरिंग प्लांट तो हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स जो है ये प्लांट किंगडम का बहुत बड़ी ये जो है सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म्स। ये आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की एक एग्जांपल है सनफ्लावर, ये भी एंजियोस्पर्म प्लांट में इंक्लूड है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है और ये सीड भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद देखते हैं, ये भी एंजियोस्पर्म का एक प्लांट है जो कि फ्लावरिंग है और ये फिर सीड प्रोड्यूस करता है और सीड से फ्रूट बनते हैं। ये आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म का प्लांट। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये सीडेड प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिम्नोस्पर्म का मतलब है नेकेड सीड्स। इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स की ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर के दरमियान हुई है। प्लांट्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक नॉन वेस्कुलर होते हैं और दूसरे वेस्कुलर होते हैं। जो वेस्कुलर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और इसके अलावा जो नॉन वेस्कुलर्स होते हैं वो ग्रास फैमिली होती है। इसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो मोनोकॉट्स भी होते हैं और डाइकॉट्स भी होते हैं।
मोनोकॉट्स में इनका कॉटिलेडन जो होता है वो सिंगल होता है, और डाइकॉट्स में इनका जो कॉटिलेडन होता है वो डाइकॉटिलेडन होता है। अब हम देखेंगे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के दरमियान। प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं और कुछ फ्लावरिंग होते हैं। नॉन फ्लावरिंग का मतलब है कि इन पर फ्लावर्स नहीं लगते, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं, और फ्लावरिंग का मतलब है ये फ्लावरिंग का मतलब है ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और इनके बाद इनका फ्रूट बनता है। कैसे? नॉन फ्लावरिंग में जो है ये स्पोर बियरिंग होती हैं और नेकेड सीड्स होते हैं। स्पोर बियरिंग का मतलब है ये स्पोर्स पैदा करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और नेकेड सीड्स जो है, नेकेड सीड्स में कौन से प्लांट आ जाते हैं, ये है इनके सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जिम्नोस्पर्म्स जो है वो नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नेकेड सीड्स। इनके सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता इसलिए हम इसे नेकेड सीड्स कहते हैं और इन्हें हम जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। उसके बाद स्पोर बियरिंग में कौन से प्लांट आ जाते हैं, उनमें मोजेस, मोजेस जो है इनके रूट्स नहीं होती, नो रूट्स, और फर्न्स, मोज एंड फर्न्स, फर्न्स जो है इनकी रूट्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सीड होते हैं, इनके लीफ होते हैं। इसके अलावा सीड जो होते हैं इनके लीव्स, लीव्स नहीं, इनके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और इसमें मोनोकॉट्स होते हैं और सीड लीव्स में डाइकॉट्स होते हैं। अब हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड बनाते हैं और कुछ जो हैं वो सीड नहीं बनाते। प्लांट्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहले जो है ऐसे ऐसा ग्रुप है जो सीड नहीं बनाता, और दूसरा जो है वो सीड बनाता है। जो सीड बनाते हैं उनमें कौन से शामिल हैं? नॉन फ्लावर्स, दो किस्म के प्लांट्स फिर आ जाती हैं। उसमें एक है कि नॉन फ्लावर्स होते हैं जिसे हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, और जो दूसरा है वो फ्लावर्स, वो फ्लावर बनाते हैं और उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फर्क ये है, ये दोनों सीड्स तो बनाते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है ये नॉन फ्लावर्स होता है, नॉन फ्लावरिंग होते हैं प्लांट्स, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और इनका जो सीड होता है वो कवर होता है, और जो एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म्स का जो सीड है वो नेकेड सीड्स होते हैं इनके। अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाता है कॉनिफर्स, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स है इसमें क्या, इसकी एग्जांपल आ जाती है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है इसके सीड जो होता है वो कवर्ड होता है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद इस साइड देखते हैं जो सीड नहीं बनाते, उनमें जो है उनकी सही से रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होते और लीव्स नहीं होते, और इसमें भी दो तरह की ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। जो सीड नहीं बनाते कुछ के जो है वो सही तरह से ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, लेकिन किसी के ट्रू लीव्स, स्टेम्स और रूट्स नहीं होते। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं कि इनके स्टेम्स नहीं होते, रूट्स नहीं होते, और इनका सही से लीव्स का स्ट्रक्चर भी सही से नहीं होता, उसमें आ जाती है एलजी। एलजी जो है वो थैलस लाइक होती है, ये आप देख रहे हैं साथ में डायग्राम में, एलजी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। इसका सही से जो है, एलजी को हम इसलिए थैलस लाइक कहते हैं क्योंकि इसके जो सही से लीव्स और स्टेम्स और इसका सही से जो स्ट्रक्चर है वो हम नहीं क्लासिफाइड कर सकते कि कहाँ से इसके लीव्स हैं, कहाँ से इसका स्टेम है और कहाँ से जो है इसके रूट्स हैं, इसलिए हम इसे थैलस लाइक कहते हैं एलजी को। एलजी जो है ये भी प्लांट किंगडम में शामिल है, लेकिन इसीलिए हम इसे रखते हैं प्लांट में क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसमें ग्रीन पिगमेंट्स भी होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रूट्स, स्टेम और लीव्स सही से होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं फर्न्स। फर्न्स जो है वो मजीद अब डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो नॉन ट्रू रूट्स और स्टेम्स और लीव्स वाले प्लांट्स हैं उनमें कुछ के तो रूट्स, लीव्स और स्टेम्स स्ट्रक्चर होता है और उन्हें हम कहते हैं मोजिस। मोजिस ये आप देख रहे हैं, इनके लीव्स और स्टेम्स
स्टेम भी होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कहाँ से इसकी रूट्स हैं, कहाँ से इसके लीव्स हैं, और कहाँ से इसका जो स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।